नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में ठंड के मौसम में जरा सी बरसात क्या हुई, नगर पालिका के पानी की निकासी और नाली की सफाई की पोल खुल गई। नगर के सिविल लाइन वार्ड के रोडवेज की सड़क पर पानी लग गया, इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के बाद भी पालिका के अधिकारियों कर्मचारी आंख और कान को बंद किए हुए हैं। सड़क पर लगा यह पानी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की सफाई व्यवस्था की पोल खुल रहा है। बवाली मोड़ से रोडवेज की तरफ जाने वाली सड़क पर पानी ऐसा लगा हुआ है कि मानो कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सड़क पर पानी लगने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे अधिक परेशानी पैदल जाने वाले राहगीरों को हो रही है। वहीं आसपास के दुकानदारों के दुकानदारी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी कई बार नगर पालिका शिकायत की गई, लेकिन पालिका के अधिकारी और कर्मचारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी हल्की सी बारिश क्या हुई पानी सड़कों पर लग जाता है, इससे उनको आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कल बारिश हुई है, कल से हो रही है, इसी तरह हर साल रहता है। नाला वाला है ही नहीं। क्या दिक्कतें होती हैं? पानी दुकान में आ जाता है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? नगर पालिका में किया तो उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप क्या मांग करते हैं? वही साफ सफाइया, ये सब नाला वाला बन जाए। आए दिन दिक्कत रहती है? आए दिन दिक्कत होती है हम लोग को। हम लोग अप्लीकेशन भी डालते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।